जयपुर के शिप्रापत थाना पुलिस पर आर्मी के जवान से मारपीट का आरोप लगा है। घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खुद शिप्रापत थाना पहुंचे और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल एक दिन पहले शिप्रापत थाना पुलिस ने हुक्का बार पर कार्रवाई की थी। इस दौरान आर्मी के जवान को हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लिए गए जवान की जमानत को लेकर जम्मू कश्मीर में तैनात आर्मी के जवान अरविंद सिंह शिप्रापत थाने पहुंचे। इस दौरान उनसे भी मारपीट की गई। थाने पहुंचे राठौड़ ने घटना को लेकर एसीपी मानसरोवर की जमकर क्लास लगाई। मंत्री राठौड़ ने डीजीपी और जयपुर कमिश्नर से फोन पर बातचीत कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। देखिए, बहुत ही दुखद मामला मेरे संज्ञान में आया, जहां एक भारतीय सैनिक को, जो सर्विंग सोल्जर है, कश्मीर के अंदर जो सर्विस कर रहा है, वो यहाँ जयपुर में किसी कारण आता है तो उसको पकड़ के, एक सर्विंग सोल्जर को पकड़ के पुलिस के कुछ कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी उसकी, और फिर निर्वस्त्र करके लोगों के बीच में बिठाकर कुछ पुलिस कर्मी उससे दोहराते हैं कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। ये अत्यंत दुख की बात है और ये एक घिनौनी मानसिकता दिखाता है उन दो तीन व्यक्तियों की जिन्होंने कार्रवाई करी है। मुझे राजस्थान पुलिस, क्योंकि मैं खुद वर्दी में रहा हूँ, राजस्थान पुलिस को हम सम्मान भी करते हैं, उस पर उन पर विश्वास भी है। मुझे राजस्थान पुलिस पर विश्वास है कि वो ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले पुलिस कर्मियों की मानसिक जाँच भी करवाएंगे, इलाज भी करवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं और वर्दी में भी हैं। जो कानून का पालन कर रहा हो उसके ऊपर वर्दी का ध्वंस दिखाना ये कायरता है। मुझे यकीन है कि राजस्थान पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये भी सरकार की जीरो टॉलरेंस